नमस्कार साथियों, पूरब टाइम्स के पेशकश समीक्षा में आज हम चर्चा करेंगे देश की सबसे पुरानी व दूसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वर्तमान के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव, यानी कि गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के कांग्रेस अध्यक्ष होने से पार्टी को फायदे नुकसान की। लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस की केंद्रीय समिति में आए संकट को देखते हुए गांधी परिवार की ही पूर्व अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बागडोर संभाल ली। उन्हें भी एक साल से ऊपर हो गया है। इस बीच अनेक बार पार्टी के लोगों ने पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष की बात रखी। राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस में थोड़े थोड़े समय पर यह चर्चा उठती रही कि उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा है या उन्हें मना लिया गया है, या फिर यह कि आज नहीं तो कल अध्यक्ष उन्हें ही बनना है। इससे अलग कोई चर्चा या मांग होती है तो यह कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए। एक साल से ज़्यादा समय हो जाने के बाद यह पहला मौका है जब राहुल और प्रियंका दोनों ने एक साथ ये स्पष्ट किया है कि गांधी परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति को ही कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब एक साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने स्पष्ट किया है कि गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। एक पुस्तक के लिए दिए इंटरव्यू में दोनों ने अलग अलग ढंग से यही बात कही है। दोनों की यह स्पष्टता अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी के शिखर पर चीजें इतनी स्पष्ट है तो फिर पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ने में इतना व्यक्त क्यों लग रहा। इस उलझन को सुलझाने के लिए जरूरी सुराग हमें कांग्रेस के अतीत से मिलते हैं कि क्यों कोई अपने सीधी दावेदारी पेश नहीं करता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और 1959 में कांग्रेस के टूट के बाद इंदिरा कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाने के साथ ही पार्टी पर उनके पारिवारिक सदस्यों का दबदबा इतना बढ़ गया कि उनकी छाया से बाहर निकलकर अपनी समझ से काम करने वाले किसी पार्टी अध्यक्ष की कल्पना करना भी कठिन हो गया। तब से अब तक 51 वर्षों की इस अवधि में दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष या तो गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रहा या फिर देवकांत बरुआ जैसे व्यक्ति जिन्हें इस परिवार से अलग दिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये दोनों अपवाद थे पीवी नरसिंह राव और सीताराम केसरी। दोनों के कार्यकाल में पार्टी गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलती दिखी, लेकिन गांधी परिवार से नजदीक का दावा करने वाले नेताओं ने इन दोनों की राह में कांटे बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पद से हटने के बाद पार्टी में हाशिए पर बल्कि उससे भी बाहर फेंक दिए गए। ऐसे में गांधी परिवार की ओर से बार बार स्पष्ट करने के बाद भी कोई इस पद में रुचि नहीं दिखा रहा है तो यह स्वाभाविक है। जाहिर है यह गतिरोध भी गांधी परिवार को ही तोड़ना होगा। उसे अपनी तरफ से सक्रिय पहलकदमी लेकर कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के भक्त यह मानते हैं कि गांधी परिवार के हाथ में बागडोर होने तक ही कांग्रेस एक सूत्र में बंधी है। दूसरे के हाथ में आने से यह बिखर जाएगी। एक हद तक यह बात सही भी हो सकती है, परंतु कांग्रेस की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में होना जैसे चुनाव के मैदान मारने की जादू छड़ी की तरह है। अब कभी भाजपा अपने क्रियाकलापों या अपने ऊपर लगे इल्जामों से कमज़ोर होती दिखती है। भाजपा का उच्च नेतृत्व नेतागण व मीडिया सेल गांधी परिवार के इतिहास को इस तरह से उघाड़ते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि देश के हर तरह की समस्या का जिम्मेदार गांधी परिवार व उनके नेतृत्व में चलाई गई कांग्रेस सरकारें हैं। इस बात का कोई काट अब तक कांग्रेस के पास नहीं है और हर बार वह बैकफुट पर आ जाती है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा हर उठाए गए जायज सवालों के जवाब में भाजपा की मीडिया सेल नेहरू गांधी परिवार के पुराने तथ्यों व किस्से कहानियों की सोशल मीडिया पर ऐसी बाढ़ ला देती है कि लोग भाजपा की वर्तमान की 6.5 साल की सरकार व उनके मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी भूल जाते हैं। ऊपर से राहुल गांधी के नाम से फैलाया गया सच्चे झूठे किस्सों का भ्रम जाल ऐसा फैलाते हैं कि जैसे राहुल देश के सबसे बड़े मंदबुद्धि नेता हों। प्रियंका गांधी की छवि को सीधे डैमेज करने की जगह उनकी तर्कश में प्रियंका के पति रॉबर्ट के नाम से डैमेज करने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अनुभवी और व्यवहारिक व्यक्तित्वों की कमी है। अनेक कांग्रेसियों के अलावा अब जब गांधी परिवार की नई जनरेशन भी चाहती है तो बेहतर होगा कि अध्यक्ष पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसका न केवल पार्टी के अंदर बल्कि आंदोलन और राजनीति के अन्य धाराओं में भी स्वीकार्यता हो और जो कांग्रेस को एक बड़े संवाद की धुरी बना सके। इस नाजुक दौर में पार्टी यह बदलाव कर पाती है तो न सिर्फ उसे नई गति मिलेगी बल्कि
बल्कि समाज की व्यापक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति का नया जरिया भी मिलेगा। इसके साथ यह भी संभावना होगी कि कांग्रेस की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन भी आए, जो कि आगे चलकर फिर से कांग्रेस को केंद्र की सत्ता का स्वाद चखा सके। साथियों, आपको हमारी यह समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट व सुझाव अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।